तो दोस्तों आज देखते हैं विद्युत धारिता में हमारा नेक्स्ट टॉपिक पराविद्युत पदार्थ एवं धारिता। पराविद्युत पदार्थ एवं धारिता, सॉरी ध्रुवण अने डाइलेक्ट्रिक एंड यानी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस एंड पोलराइजेशन। दोस्तों ये पोलराइजेशन है जो पराविद्युत पदार्थों के लिए देखेंगे, ऑप्टिक्स में भी एक पोलराइजेशन आता है, वो डिफरेंट है ना। तो दोस्तों पराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं? दोस्तों कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जब हमने कुचालक पदार्थों के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का चालन नहीं होता, लेकिन यदि उनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दें तो उनमें कुछ आवेशों का आदान प्रदान होता है, यानी कि वो विद्युत धारा का इफेक्ट दिखाते हैं। यदि कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो अपना कुछ इफेक्ट दिखाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि पराविद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं कि जिनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर क्या करेंगे, ये विद्युत धारा का प्रभाव प्रदर्शित करेंगे। दोस्तों इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब है धारा का चालन भी नहीं करते। तो इनको डिफाइन कर सकते हैं कि वे पदार्थ जो धारा का चालन नहीं करते, लेकिन इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत धारा के प्रभाव का क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल देख सकते हैं, कांच है, अभ्रक है, कांच है, मैं यहां लिख देता हूं दोस्तों, कि कांच है, अभ्रक है, तेल है, मोम है, एबोनाइट है। दोस्तों और भी एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों ये पराविद्युत पदार्थ हैं। अब दोस्तों जो पराविद्युत पदार्थ हैं इनको भी मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ और अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। दोस्तों बोर्ड एग्जाम में इनसे रिलेटेड छोटा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि पराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं, कोई एग्जाम्पल दे दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ या अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। तो दोस्तों आप इनमें डिफरेंस कर सकते हैं, डेफिनेशन में कंफ्यूज ना हो तो देख लीजिए। फर्स्ट मैं देख लेता हूं दोस्तों, मैंने ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों को यानी डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है दोस्तों। फर्स्ट है मेरा ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और सेकंड है दोस्तों मेरा अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। दोस्तों एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा जनरल साइंस में भी एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ,
इनके एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु, तो दोस्तों वहाँ भी सेम एग्जाम्पल होते हैं, तो आप इनको ध्यान रख सकते हैं यहाँ से भी। तो दोस्तों मैं फर्स्ट देख लेता हूँ ध्रुवीय प्राविद्युत पदार्थ यानी कि पोलर डाई इलेक्ट्रिक। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ यानी कि दोस्तों इसको मैं लिख सकता हूं पोलर डाई इलेक्ट्रिक। तो दोस्तों ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं कि दोस्तों ऐसे पदार्थ तो होते हैं जिनमें धनायन व ऋणायन के केंद्र अलग अलग होते हैं। दोस्तों धनायन एवं ऋणायन कि ऐसे पदार्थ जिनमें धनायन एवं ऋणायन के केंद्र अलग अलग होते हैं यानी कि दोस्तों संपाती नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। यानी कि जो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ हैं उनमें धनायन ऋणायन के केंद्र यदि अलग अलग हैं तो दोस्तों हम जानते हैं कि दो तरह के आवेश हो गए, धनावेश और ऋणावेश। इनके केंद्र अलग अलग हैं तो अलग अलग आवेश के कारण क्या होता है, द्विध्रुव होता है। तो दोस्तों द्विध्रुव होता है तो इसमें जो प्रत्येक अणु है उसका अपना क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। दोस्तों प्रत्येक अणु का क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, लेकिन जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसका शून्य होता है। दोस्तों परिणामी इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण इसका होता है शून्य। अब दोस्तों शून्य क्यों होता है कि पदार्थ में जो ये द्विध्रुव हैं यानी धनायन और ऋणायन हैं इनका जो वितरण होता है यानी कि वो यादृच्छिक वितरण होता है, तो जो ओवरऑल द्विध्रुव आघूर्ण है यानी कि नेट द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है दोस्तों, शून्य हो जाता है। दोस्तों इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों मैं इनके ले सकता हूँ, HCl है, NaCl है, H2O है। दोस्तों इनकी स्ट्रक्चर भी हम देख सकते हैं और दोस्तों इनका द्विध्रुव कैसे होता है वो भी देख सकता हूँ मैं कि दोस्तों अगर ये मेरा Cl माइनस है, Cl माइनस, तो ये है मेरा H प्लस। अब दोस्तों ये मेरा प्लस है और ये मेरा क्या है, माइनस, तो ये दोनों दोस्तों दोनों के केंद्र क्या हैं, अलग अलग हैं, तो यानी कि एक द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेंगे। प्रत्येक अणु क्या करेगा, द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, यानी कि HCl क्या है, एक द्विध्रुव है। तो दोस्तों इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण किस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में। अब दोस्तों हम लिख सकते हैं H2O के लिए इसी प्रकार से, ये मेरा है O2 अणु, O2 माइनस का है, और ये है मेरा H और ये भी है मेरा H। तो दोस्तों H माइनस का माइनस का, सॉरी H प्लस का और ये प्लस का, तो दोस्तों इन दोनों की डायरेक्शन हो जाती है
इधर, यानी इसके कारण डायरेक्शन इधर, और इसके कारण डायरेक्शन इधर, और जो परिणामी इसकी हो जाएगी वो इधर, यानी कि इसको मैं P1 मान लूँ, इसको P2 मान लूँ, तो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण मेरा इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण इस डायरेक्शन में हो जाता है कि दोस्तों द्विध्रुव आघूर्ण हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है, यानी विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर, और द्विध्रुव आघूर्ण है वो होता है माइनस से प्लस की ओर। तो हाँ सॉरी, इसमें भी हो जाएगा माइनस से प्लस की ओर, यानी कि जो इसमें द्विध्रुव आघूर्ण इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो दोस्तों प्रत्येक अणु के लिए क्या होता है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण होता है, लेकिन जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। अब दोस्तों क्या हो यदि जो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों को मैं बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दूं? तो दोस्तों ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों को विद्युत क्षेत्र में रखने पर यानी कि जो ध्रुवीय पदार्थ हैं उनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर क्या होता है कि ये विद्युत, अब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो दोस्तों बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर क्या लगता है, बलाघूर्ण लगता है। अब बलाघूर्ण के कारण पहले तो ये यादृच्छिक व्यवस्थित थे, कैसे व्यवस्थित थे ये देख लेते हैं। माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो दोस्तों ये है बाह्य जो बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या है मेरा यहाँ अनुपस्थित है, यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र E बोलूँ तो E इक्वल टू 0 है, यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, तो इसका जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण क्या है 0, यानी कि दोस्तों प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण है इसका 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 सबका है, लेकिन परिणामी क्या होता है, शून्य होता है। तो यदि मैं बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दूँ तो जो प्रत्येक अणु है उस पर क्या कार्य करेगा, बलाघूर्ण। अब बलाघूर्ण क्या करेगा, बलाघूर्ण के कारण ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं। अब दोस्तों विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं, यानी मैं कह सकता हूँ ये मेरा विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है, तो ये जो सारे अणु हैं ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाते हैं दोस्तों, संरेखित हो जाते हैं। जितने भी अणु होंगे वो बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाएंगे, संरेखित हो जाएंगे। यानी कि प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस तो देख सकते हैं आप दोस्तों कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर इन पर बलाघूर्ण उत्पन्न होगा, बलाघूर्ण के कारण ये रीअरेंज होंगे और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाएंगे, संरेखित हो जाएंगे। तो दोस्तों इसके कारण इनका जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण इनमें उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि शून्य नहीं रहेगा, इनमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ तो P इक्वल टू 0 था, यहाँ इसका कुछ द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो दोस्तों ये थे ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अब दूसरे टाइप के हम देखते हैं अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ यानी नॉन पोलर
डाई इलेक्ट्रिक। यानी दोस्तों इनमें क्या होता है, धनायन और ऋणायन के केंद्र एक ही होते हैं, धनायन ऋणायन के केंद्र एक ही होते हैं। यानी मैं बोल सकता हूं संपाति होते हैं। अब दोस्तों संपाति से आपको कंफ्यूजन रहता है तो आप ये ध्यान रखिए, धनायन और ऋणायन के केंद्र क्या होते हैं, एक ही होते हैं। यानी कि दोस्तों अब द्विध्रुव या नहीं बन रहा है, धनायन ऋणायन के केंद्र एक ही है, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा दोस्तों, प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण जीरो, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण वो भी जीरो। कि दोस्तों वहां तो जो प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण था, लेकिन यहां अब एक डाइपोल ही नहीं बन रहा है, तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण कहां से होगा, यानी कि वो जीरो, और परिणामी क्या होगा, जीरो। दोस्तों इनके एग्जांपल देख सकते हैं, H2N2O2CO2। अब दोस्तों इनकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं और फिर इसके बाद मैं देखूंगा कि अगर इन पदार्थों को मैं विद्युत क्षेत्र में रख दूं तो क्या इनमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो दोस्तों देख लेता हूं मैं इनके लिए स्ट्रक्चर कि ये है मेरा H और ये मेरा H। ऐसे दोस्तों CO2 के लिए मैं बना लेता हूं कि ये है मेरा C और ये है मेरा O। दोस्तों ये है ध्रुवीय अणु। अब यदि इनको मैं बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दूं तो क्या होगा दोस्तों, ध्रुवीय पदार्थों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर क्या होता है कि दोस्तों जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है तो इसमें जो अणु अरेंज होते हैं इस तरह से, प्लस माइनस। यानी कि बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या है मेरा, अनुपस्थित है। कि दोस्तों बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या है मेरा, अनुपस्थित है। बाह्य विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू क्या है, जीरो। P इक्वल टू क्या है, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, जीरो। चूंकि दोस्तों द्विध्रुव ही नहीं बन रहा तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, शून्य होगा। अब इनको मैं बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखता हूं तो क्या होता है कि जो धनायन है, कि दोस्तों धनायन है वो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। इसके अलावा जो ऋणायन है, ऋणायन का क्या होता है, ऋणायन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में संरेखित हो जाते हैं। ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में संरेखित हो जाते हैं। यानी कि दोस्तों ये जो धनायन और ऋणायन है दोनों क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। अभी तक तो एक थे जब तक विद्युत क्षेत्र नहीं था, लेकिन जैसे भाई विद्युत क्षेत्र लगाए धनायन और ऋणायन क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट हो जाते हैं इसका मतलब एक द्विध्रुव बन जाता है। और दोस्तों जब द्विध्रुव बन जाता है तो फिर उसका क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। यानी कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर इनमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। यानी कि दोस्तों जो धनायन है वो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, दोस्तों विद्युत क्षेत्र इधर है तो ये मेरा धनायन इधर की दिशा में और ऋणायन इधर की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। तो प्लस माइनस। तो दोस्तों अब इसमें जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है।
तो इसके बाद ध्रुवण देखते हैं। ध्रुवण, तो ध्रुवण क्या होता है दोस्तों, कि जो पराविद्युत पदार्थ है उसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों ध्रुवण पोलेराइजेशन, यानी कि दोस्तों परावैद्युत पदार्थ है मेरा, उसको मैं रख रहा हूं बाह्य विद्युत क्षेत्र में। दोस्तों जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है ध्रुवण के बारे में, यानी परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण, कि परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर इनमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों इस घटना को हम क्या कह देते हैं, परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण, यानी कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर परावैद्युत पदार्थों में द्विध्रुव आघूर्ण का उत्पन्न होना क्या कहलाता है, ध्रुवण कहलाता है। अब दोस्तों कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं कि वे पदार्थ जिनमें बाह्य विद्युत ई द्विध्रुव आघूर्ण पी के समानुपाती होता है, यानी कि वे पदार्थ जिनमें बाह्य विद्युत क्षेत्र ई द्विध्रुव आघूर्ण के समानुपाती होता है उन्हें हम बोल देते हैं रैखिक संदेशिक पदार्थ, रैखिक समदेशिक पदार्थ। दोस्तों बोर्ड एग्जाम में रैखिक समदेशिक पदार्थ भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि रैखिक समदेशिक पदार्थ क्या हो सकता है, तो आप बता सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है वो रैखिक समदेशिक पदार्थ कहलाते हैं। अब दोस्तों जो रैखिक समदेशिक पदार्थ है, कि रैखिक समदेशिक पदार्थ है उसके एकांक आयतन में उपस्थित द्विध्रुव आघूर्ण, एकांक आयतन में उपस्थित द्विध्रुव आघूर्ण की रैखिक समदेशिक पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित द्विध्रुव आघूर्ण ध्रुवण सदिश कहलाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है, ध्रुवण सदिश यानी कि पी वेक्टर, कि रैखिक समदेशिक पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित द्विध्रुव आघूर्ण ध्रुवण सदिश कहलाता है। अब दोस्तों जो ये विद्युत क्षेत्र है, बाह्य विद्युत क्षेत्र और प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है, इन दोनों में क्या संबंध होता है वो भी हम देख लेते हैं। कि जो बाह्य विद्युत के प्रभाव में कोई भी जो परावैद्युत पदार्थ है वो क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। तो जो बाह्य विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है और प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, यानी कि दोस्तों ई बराबर होता है काई पी। दोस्तों काई क्या है, जो परावैद्युत पदार्थ है उसकी परावैद्युत पदार्थ की वैद्युत प्रवृत्ति है, परावैद्युत पदार्थ की वैद्युत
प्रवृत्ति, या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों काई क्या है, काई परावैद्युत पदार्थ की ध्रुवता का मापक है, यानी जो परावैद्युत पदार्थ की ध्रुवता है वो किस में मापी जाती है, परावैद्युत पदार्थ की ध्रुवता किस में मापी जाती है, काई में। दोस्तों ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है, इक्वल टू काई पी। तो दोस्तों ये हमने देखा ध्रुवीय और अध्रुवीय पदार्थों के बारे में, तो आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।